आप सभी के लिए लेके आए साइंस को समझना ट्रिक्स, जिसको देखकर आप लोग बोलोगे क्या बात है सर, क्या बात है सर। स्टेप को करने के लिए पहले आपको एक सीढ़ी चाहिएगी। सीढ़ी के ऊपर टेप लगाकर कुछ इस प्रकार से उछाल देनी है। उछालने के बाद इसको लाइटर से गर्म करोगे और फिर इसमें फूंक मारोगे तो एक बैलून की तरह निकलने लगेगी। पहले आप लोग एक बैलून लेंगे, बैलून में थोड़ा सा पानी भरकर उसको फैलाएंगे। फैलाने के बाद एक गिलास लेंगे, पेपर को जलाकर उसमें गिर देंगे, फिर बैलून को उसके ऊपर रखेंगे। आप लोग देखोगे बैलून गर्मी की वजह से उसके अंदर जा रहा है। पहले आपको एक तांबे का तार लेना है, फिर उसको एक बोल्ट पर कुछ इस प्रकार से लपेट लेना है, फिर दोनों साइड को गर्म कर कुछ इस प्रकार से छील लेना है। छीलने के बाद फिर एक सेल लेंगे, सेल के दोनों साइड इन तार को लगाकर फिर हम किसी भी लोहे की चीज पे लगाएंगे तो मैग्नेट की तरह एक काम करेगा। पहले आपको माचिस के साइड वाले हिस्से से घिसकर चूरा निकाल लेना है, फिर उसमें थोड़ा सा पानी गिरकर सारी तिल्लियों के ऊपर लगा देना है, फिर उनको धूप में सुखाकर फिर माचिस जिसके भी कॉन्टेक्ट में आएगी अपने आप जल जाएगी। पहले आपको एक बोतल लेनी है, बोतल के अंदर थोड़ा सा सेंट स्प्रे कर देना है, फिर लाइटर को इसके ऊपर लगाकर तुरंत बोतल को पानी में गिर देना है, फिर आप देखोगे जितना भी पानी है बोतल के अंदर अपने आप आ जाएगा। लीपॉट स्टिक को करने के लिए पहले आपको पत्ते पे इंक लगा देनी है, फिर आप जैसे ही पत्ते को पानी में छोड़ोगे तो ये एक बोट की तरह रिएक्ट करने लगेगा जो देखने में काफी अमेजिंग लगता है। इस ट्रिक को करने के लिए आपको 5 गिलास चाहिएंगे। पहले गिलास को छोड़कर 4 गिलासों में शुगर अधिक गिर देनी है, फिर सब में पानी भर देना है। भरने के बाद सबको मिला देना है, फिर कुछ टाइम छोड़ने के बाद उसमें कलर ऐड कर देने हैं। फिर एक खाली गिलास लेंगे और एक सिरिंज की सहायता से उसमें सारे रंग को एक एक करके गिरेंगे। आप देखोगे लास्ट में देखने में कितना गजब लगता है। पहले आपको थोड़ा सा पानी ले लेना है और थोड़ा सा फेविकॉल, फिर दोनों में थोड़ी थोड़ी इंक गिर देनी है, फिर आप देखोगे लास्ट में कि इंक अपनी कैसे शेप बना रही है, जो कि ये देखने में एक फूल की तरह लग रहा है। पहले आपको इस तरीके की एक कैंडल ले लेनी है, फिर कैंडल को पानी के ऊपर जलाकर उसके ऊपर गिलास रखोगे तो आप देखोगे कि कैंडल पानी के अंदर भी जल रही है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, एक लाइटर की मदद से कैसे पेन को अरेंज कर रहा है। गाइस ये कोई मैजिक नहीं है, ये पायलट का फायर अरेंज पेन है जिसे आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। पहले आपको कटोरी में पानी ले लेना है, उसमें थोड़ा सा हैंड सैनिटाइजर गिर देना है, फिर उसमें लाइटर के थ्रू आग लगा देनी है, लेकिन वो आग आपको दिखेगी नहीं। अगर यकीन नहीं होता है तो माचिस की तिल्ली या फिर कोई भी पेपर लेके उसके ऊपर रखें, आप देखोगे उसमें आग जल जाएगी। इस ट्रिक को करने के लिए आपको चाहिएगी एक कैंडल, एक नींबू और एक कान साफ करने वाला ईयरबड। ईयरबड में थोड़ा सा नींबू का जूस लगाएं, फिर वाइट पेपर पर कुछ भी लिखें, उसको थोड़ी देर सुखाने के बाद वो जब भी आग के कॉन्टेक्ट में आएगा उसमें जो भी लिखा है दिखने लगेगा। टेबल ट्रैक करने के लिए पहले आपको एक गैस वाला परफ्यूम ले लेना है, फिर थोड़ा सा बोतल के अंदर स्प्रे कर देना है, फिर उसमें आग लगा देनी है और जब आग खत्म हो जाए तो उसके ऊपर हाथ रख देना है, देखोगे आप बोतल पूरी तरह से पिचक जाएगी। इस ट्रिक को करने के लिए एक फॉल पेपर लेना है, कुछ माचिस की तिल्लियां लेनी है और एक पैन के साथ इसको ऐसे रोल कर देना है। पैन को निकाल कर ऊपर से इसको पैक कर देना है, फिर कुछ इस तरीके से इसको मोड़ेंगे और एक कांच की बोतल लेंगे, उसमें कुछ इस तरीके से फिट करेंगे, फिर जिस तरफ से माचिस की तिल्लियां हैं उधर से आग लगाएंगे, फिर आप देखोगे बोतल में पूरा धुआं धुआं हो जाएगा, तो देखने में काफी मस्त लगता है। ऐसे अमेजिंग ट्रिक जानने के लिए हमको